सनरेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आईटीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र संबंधित क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन एआईटीटी मुख्य परीक्षा में आने वाला है एवं आ सकता है। और आज का टॉपिक रहेगा लेथ मशीन। चित्र में दर्शाया सेंटर लेथ के नामों को पहचाना कि ए में कौन सा पार्ट है, बी में कौन सा पार्ट है, सी में कौन सा पार्ट है, डी में कौन सा पार्ट है, ई में कौन सा पार्ट है, एफ में कौन सा पार्ट है, जी में, आई और जे। इस तरह का ए बी सी डी करके जो नाम अंकित किया हुआ है उसमें निम्न भागों में जो पार्ट है उस पार्टों का संकेत है और उसको आपको पहचानना है। और इसी टाइप का परीक्षा में आता है, आपको उस पार्ट्स को देख के आपको नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चित्र में लेथ मशीन आप लोग देखिए, देखिए आप लेथ मशीन देख के आपको पहचान करना होगा ए पार्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए जो पार्ट है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ए पार्ट जो है, ए जो संकेत किया हुआ, ए लिखा हुआ और उसमें एरो चिन्हित किया हुआ, यानी उस भाग का नाम क्या है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि उसको स्पिंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल बोलते हैं। स्पिंडल का कार्य क्या है? स्पिंडल में जैसे कि आपका मशीन के आधार पर त्रिज्याचक या फुर्जाचक उसमें बंधे होते हैं, लगा होता है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब को चक्की के द्वारा उसको क्लेम करते हैं, बांधते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए का नाम हो गया स्पिंडल, और उसमें ठीक उसके स्पिंडल में हम लोग लेथ चक्की को उसमें लगाते हैं। उसके बाद बी कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट बी भाग का नाम क्या है? कंपाउंड रेस्ट देखिए इसमें ठीक इसको पूरा को भाग को केरेज जो बोलते हैं, आगे जाकर हम लोग केरेज भी पढ़ेंगे, तो पूरा जो पार्ट है उसको ठीक उसके ऊपर में कंपाउंड रेस्ट लगा हुआ है, केरेज के ऊपर रहता है, ठीक है। कंपाउंड रेस्ट हम लोग टूल को घिसका सकते हैं, ठीक है, टूल को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, आगे पीछे करने के लिए हम लोग कंपाउंड या दाएं बाएं करते हैं, ठीक है। जिस टाइप का रहता है, जैसे कि आपको मान लीजिए कंपाउंड रेस्ट का हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं टेपर कटिंग वगैरह जो करते हैं उस समय, ठीक है, उसमें टूल पोस्ट ठीक उसका दाएं साइड में उसी के साथ में संबंध बना हुआ रहता है, ठीक है, संपर्क में रहता है सब। कंपाउंड रेस्ट हो गया, टूल पोस्ट हो गया, वो सब क्या है? क्रेज के ऊपर में लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट को देखेंगे। सी पार्ट को क्या बोलते हैं? सी पार्ट को स्लिप बोलते हैं, ठीक है। सी पार्ट को क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं, ठीक है। उसमें मैंड्रिल भी रहता है, ठीक है, मैंड्रिल भी रहता है और स्लिप भी रहता है ना। मैंड्रिल ठीक उसके थोड़ा आगे जो वो हम लोग बीच बीच में उसको खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं, और जब जब हम लोग लंबे लंबे जब को जो बांधते हैं तो उस समय हम लोग मैंड्रिल लगा देते हैं और वो स्लिप में लगता है। डी में देखिए, डी में क्या है? टेल स्टॉक। डी पार्ट जो दिख रहा है, संकेत जो दिया हुआ है, चिन्ह जो है उसको बोलते हैं टेल स्टॉक, ठीक है। ई पार्ट को देखेंगे, ई पार्ट क्या है? ई में देखिए लेथ बेड है, ई जो दर्शा हुआ है लेथ बेड। उसके बाद जी में देखिए फीड रॉड, जी को देखिए क्या बोलते हैं? फीड रॉड। इसमें हम लोग फीड जब देते हैं, मशीन को ऑटोमेटिक चलाते हैं, तो हम लोग फीड देंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है? वो चलता है। उसमें जैसे कि हम लोग क्रेज को हैंडल के द्वारा आगे पीछे करते हैं, ठीक है, तो या सेडल के ऊपर में जो सेडल जो रहता है ना, उसके उसके भी हैंडल में हम लोग क्या करते हैं? आगे पीछे करके कटिंग टूल
को भी आगे पीछे करते हैं। तो फीड रड है क्या, जो लिवर जो रहता है, लिवर जो रहता है ना, तो लिवर में क्या करते हैं हम लोग, लिवर में उसको मतलब उसमें सेट करके हम लोग ऑटोमेटिक फीड देते हैं। ऑटोमेटिक फीड देकर धीरे धीरे करके उसको हम लोग जितना कटने की आवश्यकता हो तो उतना हम लोग क्या करते हैं, कटिंग लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक कटिंग प्रक्रिया होता है। उसमें आपको हाथ के द्वारा आगे पीछे घिसने की आवश्यकता, दाएं बाएं घिसने की आवश्यकता नहीं होता, चलाने की आवश्यकता नहीं होता, ऑटोमेटिक वो चलते रहता है। उसका जो सिस्टम है सिस्टम को पूरा करके मतलब पूरा करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आय में देखिए रैक, आय जो लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, रैक, रैक एंड पिनियन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। एच भी है उसमें, सॉरी एच है, एच को बोलते हैं रैक, आई को बोलते हैं, एच को बोलते हैं रैक, आई को बोलते हैं क्रेज, आई को क्या बोलते हैं, क्रेज, सॉरी आई को बोलते हैं क्या, क्रेज। देखिए क्रेज जो है वो पूरा उसमें, जैसे कि हम लोग कंपाउंड टेस्ट वगैरह जो पढ़े हैं, टूल पोस्ट पढ़े हैं, तो सारा चीज़ क्रेज के ऊपर लगा हो रहा था उसमें। उसके बाद जे में क्या रहता है, जे देखिए उसमें जे लिखा हुआ, ठीक है, जे जो लिखा हुआ क्विक चेंज गियर बॉक्स, जे क्या है, क्विक चेंज गियर बॉक्स, क्या लिखा है, क्विक चेंज गियर बॉक्स, इसको हम लोग उसको जानेंगे। जो जे जो है इसको हम लिख सकते हैं कि क्विक चेंज गियर बॉक्स, ऑलरेडी इसी जो गियर बॉक्स है, हम लोग इस बॉक्स में जितने सारे गियर हैं, गियर को हम लोग कम बेसी करके जो आपका चार्ट रहता है, चार्ट को देखकर हम लोग मशीन के जितना गियर जो है सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल करके या मशीन को अप करके हम लोग गियर चेंज करते हैं, ठीक है। गियर चेंज करके हम लोग मटेरियल के आधार पर, कटिंग के आधार पर कम बेसी करके या कम बेसी चाल में मशीन को चला सकते हैं। तो क्विक चेंज गियर बॉक्स है, इसमें सर गियर का सिस्टम, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ें कि फीड और उसमें फीड रड है, तो फीड रड हम लोग जैसे कि ऑटोमेटिक अगर उसमें मशीन को चलाने की आवश्यकता, कटिंग टूल को ऑटोमेटिक चलाना है तो हम लोग फीड रड का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, जो क्विक चेंज गियर बॉक्स है उस गियर बॉक्स में गियर को शिफ्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से, और जैसे बहुत लेग है ना, बहुत सा नाम और है, तो सबको तो नहीं जा रहा, कुछ फिगर उसमें हम लोग एबीसीडी करके उसमें चिन्हित किए हैं, और वही सबको आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन नंबर दो, चित्र में दर्शाएं लेथ बेड को पहचानिए। चित्र बिल्कुल आप देखिए, और चित्रों को देखकर आपको पहचान करना होगा कि कौन सा बेड हो सकता है, ठीक है। इस तरह का एग्जाम में पूछता है, AITT परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि आपको फिगर रहेगा और उसमें ABCD संकेत रहेगा, और उसी को देख के नीचे मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चन रहता है, ABCD करके चार ठो ऑप्शन रहेगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो आपको बेड को देखना है और उसमें चार ऑप्शन में से एक तो आपको चयन करना है कि कौन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, उसको चयन करना होगा। तो देखिए इसमें दो फिगर है, ए और बी, ठीक है, ए और बी दो फिगर है, और इसमें दोनों क्या है, बेड है, बेड को पहचानने बोल रहा है। तो दो ए में कौन सा बेड है और बी में कौन सा बेड है आपको पहचानना होगा। तो चलिए एक हम लोग पहचानेंगे, ए में कौन सा बेड है, कॉम्बिनेशन बेड है, क्या बेड है, कॉम्बिनेशन बेड है, बी क्या है, फ्लैट बेड है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बेड मतलब इसमें जो आपका फिगर है उसी के आधार पर हम लोग उसको पहचानते हैं। और बहुत सारा है बेड, जैसे कि यहाँ दो हम लोग इसमें फिगर है तो इसलिए दो ही हम लोग जान रहे हैं, क्या है, कॉम्बिनेशन बेड, और दो नंबर में एक ए में कॉम्बिनेशन बेड, बी में फ्लैट बेड। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके वीडियो को हम लोग देखेंगे, और इस तरह के हम लोग नए नए क्वेश्चन के साथ, नए आंसर के क्वेश्चन एवं आंसर के साथ क्या हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।